हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। डायरेक्टर कबीर खान ने एक ना मूवी करी है चंदू चैंपियन, जिसमें हमको कार्तिक आर्यन देखने को मिले हैं, जो कि बायोपिक ड्रामा, एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जो कि अपने मुरलीकांत पेटकर सर की है। तो हम बस अभी पेटकर नाम लेंगे या फिर हम कार्तिक आर्यन या फिर कार्तिक भाई कुछ भी बोल सकते हैं, तो फिलहाल ना मोटा मोटी फोकस करेंगे। सबसे पहले BGM की बात करूँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है, और जब 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 ये BGM स्पोर्ट टाइम पे आता है तो एक तरीके से गूसपम्प्स देता है। आपको कुर्सी की पेटी बांध के रखनी पड़ती है, आप वहाँ से हिलने का आपका मन नहीं करता है, आपको लगता है कि ठीक है ये जो सीन क्रिएट हो रहा है इसको कहीं ना कहीं अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा है, मराठी एक्सेंट आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर सुनने को मिलेगा, कुछ एक करेक्टर एकदम मस्त वाली मराठी बोलते हैं यहाँ पर। और अगर मूवी की मैं मैन जो निचोड़ है उसकी बात करूँ तो वो आपको दिखाता है कि आपका जो एम है, आपका जो डेडिकेशन है अपने एम के लिए, वो किस हद तक है। जैसे कि फर्स्ट हाफ में आपको कॉमेडी पंचेस मिलते हैं, आपका एंटरटेनमेंट का एक जो जरिया है वो चलता रहता है, उसके बाद में फिर फौज में जाना, उसके बाद में 9 गोलियां लगने के बाद में, उसके बाद में अस्पताल से फिर दोबारा अपनी जो एक जिद है वो उसको पूरा करना, और वास्तव में वहाँ तक जाना और गोल्ड मेडल वगैरह जीत के लेके आना, अपनी एक जो खासियत है, एक काबिलियत है, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जहाँ पर अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तो वो सोचता है यार मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, 9 गोलियां लगने के बाद भी अपना जो एम है उसको पाने की जो क्षमता रखते हैं उनको बोलते हैं पेटकर सर। अब अगर हम बात करें इसके थर्ड पार्ट की तो वो मूवी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे के आसपास की ये मूवी है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए था मेरे को ऐसा लगता है। एक आधी गाना अगर मिस कर देते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजयराज सर का जो करेक्टर है वो काफ़ी सॉलिड है, राजपाल यादव सर ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है, कार्तिक आर्यन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस करेक्टर को प्ले किया है, स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी अच्छी है और ट्रांजिशंस भी काफ़ी एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्मूथली लगाए गए हैं, स्मार्टली ट्रांजिशन सेट किए गए हैं मूवी के अंदर, कहीं कहीं पर जो कि आपको लगता ही नहीं है यहाँ पर ट्रांजिशन है, समझ रहे हो, वो वन टेक शॉट लगता है आपको, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव भी लगता है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो फैंटास्टिक फिल्म और काफ़ी अच्छी आपको स्पोर्ट ड्रामा वाली एक जो बायोपिक मूवी है वो देखने को मिलेगी। वैसे मैदान भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन चंदू चैंपियन की बात करें और मैदान की बात करें तो मैदान को मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस ने इतना भाव दिया नहीं, लेकिन चंदू चैंपियन को लोग भाव दे रहे हैं, क्योंकि कार्तिक आर्यन है इसके अंदर, पहली चीज़ तो यही हो जाती है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि जो ट्रेलर है वो भी काफ़ी दमखम रखता है। मैदान का कहीं ना कहीं जो लूज पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने कई सारी रिलीज डेट अपनी बदल दी थी, और 2018 या 19 के आसपास वो रिलीज होनी थी मूवी, उससे पहले का उसमें शूट था, 2024 में रिलीज करना काफ़ी ज़्यादा एक टाइम गैप हो जाता है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत थी। लेकिन हम चंदू चैंपियन की बात करें, फैंटास्टिक फिल्म है, मस्ट वॉच मूवी है, अगर आपके आसपास लगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये फिल्म जरूर देखें, जरूर देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पैसा मिल रहा है, बस मेरे को लगता है कि एक अच्छी फिल्म है तो उसको बोलना चाहिए देखने के लिए। मैं मोस्टली क्या है, कम ही फिल्मों के लिए बोलता हूँ कि आपको देखना चाहिए, मस्ट वॉच फिल्म है। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।